भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में। भाई हमने किस्से भर दिए हैं तीन, जिसमें कोई हरफ नहीं छोड़ा, सब कुछ भर दिया, सारी रागनी बात बाता में। कवि कालिदास का, पूर्णिमा प्रकाश का, सुरेखा हरण का। और आज है भाई 25 जनवरी, कल 25 जनवरी 2024 है, कल 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस। और इस उपलक्ष में गणतंत्र दिवस हो और देशभक्ति का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम भरांगे ब्रिगेडियर होशियार सिंह, माँ सरदार चिन्मायना का बनाया हुआ किस्सा। ये मैं पहले बता चुका हूं, दाचन जी के सारे किस्से ओरिजिनल हैं, काल्पनिक कोई नहीं। चाहे महाभारत का हो, चाहे समाज का हो, वो समाज सुधारक कवि रहे हैं। और ब्रिगेडियर होशियार सिंह की रागनियां इस किस्से में ऐसी रागनियां हैं, सभी ने सुन रखी। और ये नहीं पता तुमने कि किस्सा क्या था, सच्चाई क्या थी। तो आज हम शुरू करते हैं ब्रिगेडियर होशियार सिंह। इस किस्से में खास बात एक और भी है, ब्रिगेडियर होशियार सिंह का जो राठी थे, वो गोद से जो गांव है वो है साकोल, और मास्टरदास चंदिया का गुरुद्वारा है साकोल, उनके गुरु मुंशी राम भी साकोल के थे। खास बात यह है, रागनिया बात बाता में लेवांगे। वैसे एक बार बता देता हूं, के बुजोगी बात बाण जब आई थी नए नवेली में, मेरा स्त्री आपा उठे राजणु जाट चाल रहे रेली में। ये रागनिया सुनी हो सबकी। हाय हाय जमींदारा मेरा गाज चीर दिया सारा, ईख तेरे पत्या ने, सबकी सुनी हुई है, हे बहु रानी। चलो शुरू करते हैं भाइयों। वर्ल्ड वर्ल्ड में भारत, भारत में हरियाणा, और हरियाणा में साकोल गांव बहादुरगढ़ के पास, वहां पर चौधरी शिवलाल राठी रहते थे। उनके पिताजी का नाम था चौधरी जमनादास राठी, और चौधरी शिवलाल राठी की पत्नी का नाम नानी, जो शील स्वभाव की, अच्छे संस्कार वाली थी। चौधरी शिवलाल राठी का 5 बेटे थे। 16 दिसंबर 1916, भाई याद रखना तारीख को, एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया होशियार सिंह। भाई भरा पूरा परिवार बड़े लाड़ प्यार से उसके लालन पालन, पढ़ाई सब कुछ होता है। पहले फर्स्ट डिवीजन 60% से ऊपर मानी जाती थी, और 60% बहुत इंटेलिजेंट बच्चे कहा करते हमारे टाइम में, भी बड़ा मुश्किल था। आजकल तो 80-80 90-90% आए हैं। फर्स्ट डिवीजन का नाम लेकर ने खुशी होती थी। 10वीं कक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की भाई, 1936 में राजपूताना राइफल में भर्ती हो गए वो, 1936। ट्रेनिंग के कुछ दिन बाद होशियार सिंह का रिश्ता नौणंद, यहीं वहीं पर है रोहतक से थोड़ी दूर, पाकसमा नौणंद, नौणंद गांव में अफीम कोर के साथ तय हो गया। और होशियार सिंह छुट्टी आ जाते हैं और शादी की तैयारी हो जाती है। औरतें जो है शाम को इकट्ठी होकर नाचना गाना करती हैं, और पहले फागण में गीत गाया कर दी लोग, आई हम बड़े अच्छे थे, लोक लोक के देखे आते दे। ये गांव की रिवाज है, शहर में बैठे हैं उनके लिए कर रहा हूं, गांव वाला न तो बेरा। उसमें बड़ी बुढ़ी भी घोड़ा बांध लेंदी, कपड़े का चंदे ला लेंदी, करा के कर लेंदी। तो वहां एक गाना होता है औरतों का, वह
छोटे बच्चे और औरत होती हैं, बड़े आदमियों का वहां एंट्री नहीं होती। कौन सा गाना? के बुझोगी बात बाण जब आई थी ने आई नई नवेली में, मेरा स्त्रिया पा उठा था जनू जाट चाल रहा रेली में। ये है टेक। कली घी मीठा में खाया करती, काम तना घबराया करती, जब मैं छोलन जाया करती बैठ ट्रैक्टर आली ट्रेली में, मेरा स्त्री आपा उठा था जनू जाट चाल रहा रेली में। वह बुढ़ी गाँव है एक उस सभा के अंदर। रांधे पाछे के रांधना ना सबके बस का तीर सांधना, बिना बिजली रह था चानना मेरे ससुर की हेली में। के बुझोगी बात बाण जब आई नहीं नवेली में, मेरा स्त्री आपा उठा था जनू जाट चाल रहा रेली में। कोलड़ा जब ताण दिया जनू छोड़ रण में बाण दिया, छोरा भाज्या ना जान दिया फागण दुलहंडी खेली में। के बुझोगी बात बाण जब आई नई नवेली में। दयाचंद गीत जोड़ के गाया, गई बीत जवानी बुढ़ापा आया, मेरी आप पे आप सुकड़गी काया। देखो भाई देशी अरब कितने बढ़िया। जुनू टके नमड़गे थैली में, नमड़गे कहते हैं खत्म होने को, जुनू टके नमड़गे थैली में। और होशियार सिंह की शादी धूमधाम से होती है, जब अफीम कौर को बेल ली आती है तो होशियार सिंह की चाची ताई इकट्ठी होकर कैसे गीत गाकर बहू को बैल से उतारती है। भाई हे बहू रानी तू तले बैल ते आ जा, तेरे मुंह दिखलाई गा लेंगी, चांद से चांद दिखा जा। ये है टेक। कली काम छोड़ कर आई सू मुंह देखण खतर दौड़ झपट के, नई बहू के चाकी मारी पड़गी होती पैर रपट के, 5-7 दिन डट के आड़े सबका जी सा लाजा, चंदा सी शान दिखा जा। हे बहू रानी तू तले तले बैल ता आ जा, तेरे मुंह दिखलाई गाल लेंगी, चंदा सी शान दिखला जा। दूसरी भाई अगड़ पड़ोसन कट्ठी होकर आरी से सब यानी सैनी, कुणबे गल्या सलूक राखिए ठीक नहीं से खींचा ताणी, देवर दुरानी जेठ जेठानी सास ससुर मन बाजा, देवर दुरानी जेठ जेठानी सास ससुर के मन बाजा, तू चंदा सी शान दिखा जा। ब्याह मुकलावा मन का चाया, 2 दिन हो से मस्ताने, हम भी देख्या चाहवा से तेरे नैना आले तीर निशाने, मारे गाम के ठोले पाने फलसा तलक रे जा जा। ए बहू रानी तू तले बैलता आ जा, तेरे मुंह दिखलाई गाल लेंगे, चंदा सी शान दिखा जा। ये कितने बढ़िया रफ हैं भाई। देखो मारे गांव के ठोले पाने फलसा तलक रे जा जा, ठोले पाने और भाई चौतरफ है फलसा पे बठेरा आगरा आदमी, ओका पी जा बालक खेली जा रे जा जा। नई बहू जब घणिए जा कदी पानी भरण, एक नई हार दी तो थोड़ा साकर्षण हार दा, भाई किसकी बहू है, फलाने की है फौजी की बहू, और वो पानी के अगर 4 बार जाती चारों बार अलग सूट पहरिया करती, एक बार अलग फिर अलग फिर अलग फिर अलग। बुढ़े आदमी ने मुंह नहीं देखा करे, कोई मतलब नहीं, पर चाल देख कर नू बता दे बुढ़े आदमी या फलाने की बहू है। क्यों वो बैठे बैठे उक्का पी जाते, वो सिर्फ उन वो बच्चे थे उनके, कोई बात नहीं है, फिर भी चाल से पहचान जाते थे। निर्मल जल न दिखण दे न दूर हटा दे कोई होता है, अरे एक रहेगी चौथी बार आ गया मैं। ब्याह मुकलावा मन का चाया, 2 दिन होश मस्ताने,
हम भी देखा चाह वैसे तेरे नन्ना आले तीर निशाने मारे गांव के ठोले पाने फरसा तलक रे राजा होली थी। निर्मल जल न दिखण देने दूर अटारे काई होता है। मीठी बाणी बोल सुना दे ओठा जीभ रसाई होता है। नया गीत कोयला ही होता है इस दास चंद का गाजा। क्या बात है। औसाद सिंह की शादी 10-15 शादी को 10-15 दिन हो जाते हैं। औसाद सिंह की माँ औसाद सिंह की बहू अफीम कौर से कहती है, बेटी तू घर पर रहना, हम खेत में जाते हैं, ईख बांध कर आएंगे। अफीम कौर कहती है, माँ मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्या मैं जमींदार की बेटी नहीं हूं? होशियार सिंह फिर ऊपर तक कह के, माया ठीक कह, आज आप यहीं रहो, हम दोनों खेत में जावाएं। वो खेत में चले जाते हैं। वाह रगनी आ गई भाई। हाय हाय जमींदारा मेरा गात चीर दिया सारा, ईख तेरे पत्यान तुमसे भी ज्यादा, हम चल गए गोरी देख मेरे हाथा ने। रेडियो पर खूब बाजी बाया रागनी। पहली कली, कदे धूप कदे छा आ जा, हाय जान मरण के माँ आ जा, कदे झाड़ा के मापा आ जा, दे फोड़ कती लाता न। हाय हाय जमींदारा मेरा गाँव चीर दिया सारा, ईख तेरे पत्या ने तुमसे भी ज्यादा, हम चर के गोरी देख मेरे आता ने। जूड़ा हल्का जरी छड़ गए जरी के, ये बगले हरप्पा पाओगा। जूड़ा हल्का जरी छड़ गए मुंह पे कई ततिया लड़ गए, वीर मरद भीतर न बढ़ गए, बचा बचा गाता ने। ईख भरना था किस्मत आला हरफ दीख जी गया, किस्मत आला हरफ दिख गया, खतरा चारों तरफ दिख गया, एक लटकता सर्प दिख गया, बचा लिया गा दाता ने। सुरगल सरस्वती वर देश है, अक्ल तय मेहनत कर देश है, दाचन छंदर देश है, चौपड़ चौपड़ बाता ने। क्या बात है मासे जी, ईशा और अर्जुन मेरे दो रखड़े हैं। पलड़ी रागनी में तो अंडी बात कह दी थी, ना गीत को इल्या ही होते इस दासन का गाजा। चलो भाई आगे। होशियार सिंह छुट्टी काट कर फौज में चला जाता है और अफीम कौर अपने गांव नौन चली जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, सावन का महीना होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही, आकाश में बादल छा रहे थे। अफीम कौर बादलों को देख कर क्या कहती है, श्रृंगार की बातें ही हैं। याड़े भी बरस कह रहे बादल, जा उड़े भी डिगर जा, बरस बरस कह भर दे मेरे पियाजी का खेत। ओ पली कली, न्यू आवश है मेरे मूड में, बरस जा टिब्बे थड़ी भूड में, खूड खूड में बीज बिखर जा, नप जाएंगे चने घने गेहूं के समेत। पहले गोचनी बुआर दे, गोचनी गेहूं और चने कट्ठे। दूसरी कली भाई, मन की दौड़ लगन का घोड़ा, पवन पानी का होश है जोड़ा, थोड़ा रे थोड़ा सारे का बरस जा, दब जाएगा यो उजड़ा हुआ रेत, उड़ता हुआ रेत, दब जाएगा यो उड़ता हुआ रेत। तीसरी, जल भरू बनके अपनी यारी में, जब अपनी अपनी बारी में, कैरी कैरी में इस ईशा रंग भर जा, जिसी रे सजी मेरे बनने की जनेत। क्या बात, फीलिंग की बात है भाई, गजब का महसूस हो जाए।
कौन सा हरफ कितने आगे टेक दिया, कवि का भी कमाल है। गुरु का ज्ञान नशे की अफीम, अमृत करके पी और जीम। दयाचंद नीम, समय की दर्जा। अफीम कौर का नाम भी जरूर उठाया। पिछली तो जाली, पिछली तो जाली जाली बीत गई, पिछली तो जाली इब अगली न चेत। याड़ी भी बरस कह रे बादल, जा उड़े भी डगर जा, बरस बरस कह भर दे मेरे पिया जी का खेत। कुछ दिन बाद होशियार सिंह को छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाता है। अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल चला गया नौनद में, और नौरे में बिठा दिया। हाँ मासे जी भी गजब है। आड़े फिमो लिखा है, फिम को नहीं फिमो। फिमो होशियार सिंह को देखकर अपनी माँ से क्या कहती है, हाँ उड़े घर फीमो कह देंगे ना फीम कौर ने। पीला हरा सफेद तिरंगा, बहार गजब की ल्या रे माँ। जय हिंद मारे घर में ईसा बटे हुआ रे माँ। यह टेक कली मैं कहती ना बात बोर की, इसमें कैसे सलाह और की। हलवा पूरी खीर जोर की, नरम बना दे चारा में माँ। नरम चारा बना दे, खान का नरम चारा वो है रे चूरमा, हलवा चूरमा। हलवा पूरी खीर जोर की, नरम बना दे चारा माँ। कमरे आला खोल रेडियो, गा दे 9 2 11 माँ। हाँ रेडियो गा देगा 9 2 11 आया कर दी। हर मासे जी की 9 2 11 का तो कमाल था। बाली शर्मा का और उसका सुनील दोजानिया कंपटीशन है खेकड़ा यूपी का, 9 2 11 गाई। देखो तरज हुआ है 9 2 11, पर मासे जी वाली जो तरज है ना उस पर बाली शर्मा पर भरी नहीं गई। नेट पाज भी पड़ा है देख लियो, कली नहीं भरी गई जी। किसी ने कंपटीशन जीतना होता था, किसी भी कंपटीशन के कलाकार ने, तो एक अचूक हथियार था, एक दाचन की रागनी गा दे, दूसरे भरी नहीं गई। सुनील दुजानिया ने वो गाया रटमन राम बावरे, आज भी नेट पे है। सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया से कली नहीं भरी गई, एक कली भी। यो गुजर गया अपने नरेंद्र दादरी तोये, यो हरिश्चंद्र की गा करदा टाल कर यार अग्नि, उड़े कंपटीशन जीत जाता। क्योंकि मासी जी की के रंग ऐसे हैं, ऊपर से तो फिल्मी दिखे हैं और कई पर्सनल भी हैं जो ना फिल्मा में ना हरियाणवी लोकगीता में, ऊपर से तो अलग दिखे हैं, भीतर कुछ और मसाला है। जिसके अर्थों की फिटिंग, अर्फों की गिनती लयदारी के अंदर दूसरी रागनिया की फिट नहीं होती। चलो भाई आगे चलाते हैं। औसार सिंह अपनी पत्नी अफीम कौर के साथ घर साकोल में आ गया भाई। ईब वो दूसरा रंग शुरू हो है, कुछ दिन घर रुकते हो और 1939 में जंग शुरू होगी। होशियार सिंह की फौज में, होशियार सिंह को फौज में बुलाया गया, वो अपनी पत्नी को छोड़कर लड़ाई में चला गया। प्रथम विश्व युद्ध था। अपने ससुराल में रहते रहते अफीम कौर को काफी दिन हो जाते हैं, वह होशियार सिंह के पास एक खत लिखवा कर भेजती है। होशियार सिंह को खत मिलता है, खत में क्या लिखा था, करके घायल तड़पती छोटी जान क्यों ना काट ले गया, ओ परदेसी गैल मेरे बांध क्यों ना
आड़ ले गया। शक्कर कली शक्कर पारे गिरी छुआरे लाडू और शिवाल सवाली की घर घर के माँ चालू होगी लाड कोथड़ी बेटी दी की। हे ईश्वर कद प्यास बुझावर रटना लगी 84 जी की। आधा सामन उतर चाल्या सब कोई बाट देख रहा मी की। मैं सुखी तीज मनाऊं क्यों कर मी का मौका साठ ले गया। ओ परदेसी गैल मेरे भी बांध क्यों ना हट ले गया। ससुर मेरे पर छो मावे सासु देवे गाल मेरी। ओ परदेसी तना आण के कोन्या करी लई संभाल मेरी। ओढ़ण पहरण नाण खाण की कति छूट री ली ढाल मेरी। सिंगरू तै ताने मारे छोटी ननन छनाल मेरी। छनाल से बदी हो एक जगह पंडित लक्ष्मीचंद ने भी टेक्या और इन्होंने भी ये बम्बई साइड का शब्द है। रंग और चाव पति की गल्या तू गाल गोज में लाड ले गया। ओ परदेसी गल मेरे भी बांध क्यों ना हड ले गया। बड़ी मुश्किल तय पता चला तेरी चिट्ठी मिली खोज की थी। तेरे आवन की छुट्टी खत्म लिखी 20 रोज की थी। सारा कुनबा राजी हो गया मेरी उस दिन रात मौज की थी। 14 पूर्णमासी पड़वा पक्की बात दोज की थी। चंदा बन के दिख्या कोन्या कित बादला की आड़ ले गया। ओ परदेसी गैल मेरे भी बांध क्यों ना आड़ ले गया। चौथी करी भाई भर्ती होगा या बेदन तेरे तन में थी। घर ते बाहर जान की भर्ती है कवि की होती है। चौथी कली घर ते बाहर जान की भर्ती 41 के सन में थी। ये अंडरलाइन कर रहा है भाई क्यों कर रहे हैं। 41 के सन में यानी दयाचंद 41 के सन में भर्ती होया होगा। कुछ ते जोर दिया अंजल ने कुछ तेरे भी मन में थी। मैं के करूं पति तेरे किस्मत गवर्नमेंट के अन्न में थी। गर्भ कुण बेत दूर दयाचंद तन ठा भर्ती का चाट ले गया। ओ परदेसी गैल मेरे भी बांध क्यों ना हड ले। 1939 से 1941 तक दूसरे वर्ल्ड वार में होशियार सिंह की बहादुरी को देखकर उसने 3 मेडलों से सम्मानित किया गया। गांव साकोल के लिए रवाना हो जाते हैं। भाइयों मेरे याद है कि लिखनी है भगड़बड़ हुई है। 1939 से 41 तक दूसरा वर्ल्ड वार। पहला वर्ल्ड वार था और फिर 45 तक था। चलो ये समझ लो 1939 से 1941 तक वर्ल्ड वार। होशियार सिंह गांव साकोल के लिए रवाना हो जाते हैं और फूल मालाओं से बहादुरगढ़ लेकर बहादुरगढ़ में पहुंच जाता है। सारा गांव बहादुरगढ़ आ गया। ढोल नगाड़े बजने लगे। माता पिता व पांचों भाई खुशी में गदगद हो जाते हैं। समय बीतता गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है और आजादी के बाद उसे ब्रिगेडियर की उपाधि दे दी गई। ब्रिगेडियर होशियार सिंह के घर 4 बेटे और एक बेटी राजवंती के ने जन्म लिया। उसके चारों बेटों में एक का नाम राजेंद्र सिंह, दूसरे का गजेंद्र सिंह, तीसरे का बलराज सिंह, चौथे का देवराज रखा गया। होशियार सिंह वैसे देश की आन बान शान और साकोल गांव के लिए गर्व की बात है। ब्रिगेडियर होशियार सिंह अपनी बच्ची व बच्चों को फौज में अपने साथ ही रखते थे। उच्च शिक्षा बहुत ऊंची शिक्षा दिलवाई। 1962 में चीन भारत पराक्रम कर देता है भाई। लड़ाई के दौरान चीन फौज ब्रिगेडियर दालवी को कैद कर लेती है। उधर ब्रिगेडियर होशियार सिंह पुना खंडवा शाला मैं अपने कमरे में सोए हुए थे। उस समय उसे सपने में भारत माता दी नजर आती है। बड़ो अगाड़ी लड़न का मौका है फिलहाल। हाथ दिखा दे भारत माँ के लाल। ये टेक कली
दुश्मन का सामना करना, मेरे शेर मौत से क्या डरना, एक रोज सब न मरना, ईशा आज मेरा ईशा काल, हाथ दिखा दे भारत माँ के लाल, मेरे लाल लद्दाख डिगर जा तू, सीमा पे कट मर जा तू, ईशा काम देश में कर जा तू, तेरी अमर रहेगी मिसाल, हाथ दिखा दे भारत माँ के लाल, बड़ो अगाड़ी लड़न का मौका है फिलहाल, जाग जाग मेरे लाल, माँ तेरी जगावे, दुश्मन डेरा बोल नींद कैसे आवे, मेरी आजादी खोना चाहवे ये दुष्ट चीन चंडाल, हाथ दिखा दे भारत माँ के लाल, तू नेपा और लद्दाख पहुंच, नजदीक नजदीक कैसे है, मने थपेड़ी कमर पीठ कोई छिकस है, मने विजय आपकी दिखे सहरे, यो दयाचंद का ख्याल, हाथ दिखा दे भारत माँ के लाल। ब्रिगेडियर होशियार सिंह एकदम उठ जाता है भाई और अपनी घरवाली को उठ कर की कहे है, लाल लाल कह कह किसने मुझे बोल दी, सोया हुआ था मेरी आंख मेरी खोल दी, नेट पे यार अग्नि तो नंबर एक, आवे कैसे नींद यार धन धरती के पाली ने, हम कैसे सुनते रहेंगे रोज धी बेटे की गाली ने, पापण फो ची नाली ने करड़ी आखर तोल दी, लाल लाल कह कह किसने मुझे बोल दी, सोया हुआ था आंख मेरी खोल दी, मैं सनकासन की हाथ पकड़ के भारत माँ ने ठाया, वह कहने लगी कुर्बानी का मौका ठीक बताया, देश धर्म की खातर काया दे मने बिन मोल दी, सोया हुआ था आंख मेरी खोल दी, लाल लाल कह कह किसने मुझे बोल दी, हो हार हमेशा उसकी पहलम छेड़ करी जिसने, बार बार स्वीकार चीन तेरे देखेंगे जंग इसने, जहर बराबर पुड़िया किसने अमृत के माँ घोल दी, लाल लाल कह कह किसने मुझे बोल दी, सोया हुआ था आंख मेरी खोल दी, उस ठाडे न राधे इन्हें न जिता दयाचंद, एक उसमें है ज्ञान उजाला री देवी, शोभा गाऊं तेरे भवन की कटरिया चाला री देवी, हीणे का ऊणीने का पाला जिता दिया ठाड्या दौरे री देवी, इस टाइप से उस ठाड्या ने राधे हीणे ने जिता दया चंद, उस प्रभु की परम गति का किसने पता दया चंद, सन 62 की कथा दयाचंद, नैरी छाट निरोड़ दे निरोड़ दी, लाल लाल कह कह किसने मुझे बोल दी, सोया हुआ था आंख मेरी खोल दी। ब्रिगेडियर होशियार सिंह को चीन बॉर्डर पर कमान संभालने के लिए बुलाया जाता है भाई, जब वह बॉर्डर के पर जाने की तैयारी कर रहा था, उसकी पत्नी अफीम कौर क्या कहती है, ले मान सजन मेरी बात, जंग में रही रहूंगी, नंबर एक, जुड़शी रुख ने तुम चालोगे मैं भी तेरे गैल जाऊंगी, पैसेंजर ना रहूं ईब ते छूट डाक की मेल जाऊंगी, चित्ते कैसी जप चौकड़ी हेरण कैसी पेल जाएंगी, नेपा आली बाट सफर ने पीछे न धकेल जाएंगी,
जो कुछ आफत पड़े आप पे अपने तन पे झेल जाऊंगी, पतिव्रता का कर्ण सचमुच ज्यादा ऊपर खेल जाऊंगी, जान ऊपर खेल जाऊंगी। मैं छुपा जनाना गात मर्द के ढंग में रही रहूंगी, ले मान सजन मेरी बात जंग में रही रहूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं में तोड़ है रही। महाशय जी का भी कमाल है, कह लेना ही बना दी। 1 मिनट भी न्यारे होना जिसके सच्चे प्यार हो से, हृदय के मां हरदम संदक चशम से दीदार हो से, पतिव्रता के राम ईश्वर ब्याई के वरतार हो से। पतिव्रता के राम और ईश्वर ब्याई के वरतार हो से, वरतार है सबके में। वीर मर्द के लंबे चौड़े कोल और करार हो से, मरण जीण के साथी दोनों जीवन भर के यार हो से। गुक्कल के गवाल कृष्ण मीरा के मुरार हो से, लेकर एक तारा हाथ पति हर रंग मैं रही रहूंगी। ले मान सजन मेरी बार जंग में रही रहूंगी। मैं भी चलूं जहां जहां बहादुरों की देख होश है, मारण वाले लाख वहां बचानिया एक होश है। एक ऊपर ला बंदे कह के हाथ बात कुदरती का लेख होश है, बल्लम भाले बैंट बरछी। ये कौन से हथियार है भाई? बल्लम भाले महाशय जी जन्म इसी को ऐसे समाज में ले रहे थे, बल्लम भाले याद रहो। बल्लम भाले बैंट बरछी, छाती कह में छे कोश है, भीगे रहे खून के कपड़े जोगी कैसा भेख होश है। बैंट क्या है? बल्लम भाले तो ठीक है, बैंट और बरछी बैंट या उन्हें का मोल हम जाकर बोलनी पड़ेगी। दिन में रात दिखाई दे जब टंका का अटैक हो जाए, जहां फैर चले दिन रात फिर भी जंग में रही रहूंगी। मैं भी साथ रही ले मान सजन मेरी बात जंग में रही रहूंगी, फिर भी जंग में रही रहूंगी। रमा हुआ राम सारे आड मास शाम में सह, सूर्य का प्रकाश देख ले सृष्टि तमाम में सह, वो ही आड़े वो ही उड़े चीन की लाम में सह। लाम जगह का नाम है और इनका धर्म भी होता हो क्या लामा। गुण सिखत है चाल दयाचंद सतगुरु साकोल गाम में सह, मांगे से मिलेगा उसके घाटा के गोदाम में से। भले पुरुष की जीत हमेशा फतेह गुरु का नाम में से, वहां से भी मनुष्य एक जात इसे सर्वभंग में रही रहूंगी। वहां से भी मनुष्य एक जात, मनुष्य की एक सी जात, उड़े पक्षपात नहीं होता फौज में। ब्रिगेडियर होशियार सिंह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, परंतु बार बार पति के साथ युद्ध के मैदान में कंधे से कंधा मिलाने की बात करती है। और क्या कहती है? वो है बर्छी कटारी भाले फेरा गए भाई, बर्छी और कटारी लादे पहने मुंह की सैल, मैं भी चलूंगी पिया लड़न फौज में गैल। नंबर एक, चीनी दुश्मन खड़ा सीमा पर धन लूटे, वीर मर्द चाले मोर्चे जब टूटे, 8 बजे दिल्ली ते छूटे कलकत्ते की रेल, मैं भी चलूंगी पिया लड़न फौज में गेल। मारे भारत माँ की जीत
वह हम हर टेरा टैंक वाई जहाज चले अम कल फेरा बर बर पीपे दोनों गेरा मोटर में तेल। मैं भी चलूंगी पिया लड़न फौज में गेल बर्ची और कटारी लादे पहने मुंह की शेल। 62 मुल्क साथ नेहरू एक राई। 62 मुल्क साथ में नेहरू एक राई। नेपा और लद्दाख लड़े दोनों भाई बेशक हो मेरी जात लुगाई क्रू चीन ने फैल। मैं भी चलूंगी लड़न फौज में गैल गुरु मुंशी अगत की खातर जो भोग्या श्री दाचन गावन का राट हो गया नकटा ऊंट बावड़ा हो गया टूटी पड़ी नकेल। मैं भी चलूंगी पिया लड़न फौज में गेल। अफीम कोर को समझाता है कोई छोटी बात नहीं वहां चलना मेरे साथ फौज जा रही है फौज जाओगी। ब्रिगेडियर और शासन की पत्नी उन फौजियों की पत्नियों को कैसे समझाती है। वो अरब फिर टेक दिया भाई लोहे कैसी छाती बज्जर लोहे कैसी छाती कर लिया बज्जर के जैसा घात पति चले मारे लड़न ने पति चले मारे लड़न ने चीन के साथ। रागनी है भैया अफीम कौर कर समझ में आएगी कि औरता गौड़े कोई काम नहीं। तो दूसरे फौजी जो जा रहे थे उनकी औरतों को समझाती है लोहे कैसी छाती कर लिया बज्जर कैसा घात पति चले मारे लड़न ने चीन के साथ। नंबर 1 दोतार रेशमी सूट तुम धर दो थरे पतियों की हो जीत इसावर दो बिठा पाटड़े पर कर दो रण दुल्ला की हलदात। पति चले मारे लड़ने चीन के साथ। जब दुश्मन ने राप पा गया था ईशा दोष ईशा दुष्ट देश पर छा गया था याड़े राज कामनिष्ठ आ गया था मारे धर्म रह ना जात। पति चले लड़न ने चीन के साथ लोहे कैसी छाती कर लिया बज्जर कैसा घात। ठीक है भाई गिरा याड राज कम्युनिस्ट आ गया था मारा धर्म रहना जात। शेरा की छाती तण्या करे जब गिद्दड़ का दिल छण्या करे बार बार ना जण्या करे सुत जड़ने आली मात। क्या बात इनके झंडे लहराए जब गीत दाचंद इनके झंडे लहराएंगे जब गीत दाचंद गाएंगे ये जंग जीत के आएंगे तुम जब करना मुलाकात। मैं आपस में बतला करूं लुगाई ठीक बतलाऊं थी एक दूसरे ने दिलासा भी दिया रहे कोई बौद्ध दिल की उसने समझा भी करें। ब्रिगेडियर अवसार सिंह चीन के बॉर्डर पर कमांड संभालते हैं और फौजियों के शहीदों के बारे में बताकर कैसे जोश भरता है। फौजियों को शहीदों के बारे में ज्ञान देते हैं होशियार सिंह ब्रिगेडियर साहब। रह तुम सुनो गोर से वीरों की कुर्बानी वीरों की कुर्बानी। नंबर 1 महाराणा प्रताप वीर बहुत कष्ट ठाता ठाता रहा जंगल पहाड़ झाड़िया में ठोकर न्यूए खाता रहा कंद फूल फल खाकर जीवन को बिताता रहा। मुगलों के ना काबू आया देश पे खो दी जान हरी सिंह बंदा बैरागी देश पे हुए बलिदान। राजपाल की छुरी खा गया समझी ना जिंदगानी। अरे तुम सुनो गौर से वीरों की कुर्बानी
छह लाइना की कली है, तीन एक डाल में है, तीन एक में। भगत सिंह से वीरा ने आंदोलन उठाया नारा, हंसते हंसते फांसी खा गया भारत माँ का राज दुलारा। राजगुरु सुखदेव भी साथ में इनकी ललकारा, लाजपत राय शेरला में घबराया नहीं, डंडा गेला पीट पिटता रहा, कदम को हटाया नहीं। उद्धम सिंह जैसा वीर मुड़कर वापस आया नहीं, असेंबली में बम फेंक दिया, कौन आदर्श मानी। हेरा सुनो, तुम सुनो गौर से वीरों की कुर्बानी। ये दोनों वीर काम आए सरहद की दीवार में, सद्दानंद बलिदान हुए दिल्ली के बाजार में, तिलक गोखले मालवीय रोशन है संसार में। आजकल के बालकड़े याद करें, याद करने चाहिए, सिलेबस में भी वैसे भी। बात तिलक गोखले मालवीय रोशन है संसार में, जलियांवाले बाग के अंदर बहुत वीर मारे गए, खुदीराम बोस वीर मौत के घाट तारे गए, वीर हकीकत राय भी सत्य छट न्यारे गए, भारत का हर बच्चा गावे वीरों की अमर कहानी। रतम सुनो गौर से वीरों की कुर्बानी। नंबर चार भाई, छोटू राम चौधरी ने देश को जगाया था, ओम नाम का झंडा हर जगह पहले रहा था, पूज्य बापू गांधी जी ने आंदोलन उठाया था, देश के लिए गांधी जी कष्ट तन पटाते रहे, जेल से घबराए नहीं, क्रांति को जगाते रहे, नेताजी सुभाष चंद्र कदम को बढ़ाते रहे, कह दाचन बढ़ो अगाड़ी तुम आजाद सेनानी। अरे तुम सुनो गौर से वीरों की कुर्बानी। ब्रिगेडियर जोश में भर के फौजियों क्या कहता है, बहुत बढ़िया गाना आ गया भाई। चाहे सारी हमने सारी दुनिया रोकती रहे, हर ठोड़ पे और मोड़ पे और रोड पे, या पागल पागल पब्लिक बेशक भोगती रहे। फिल्मी गाना आयो, चाहे हमने सारी दुनिया रोकती रहे, हर थोड़ पे और मोड़ पे और रोड पे, या पागल पब्लिक भोगती रहे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। वो नंबर एक, खून की होली खेलने थे हम जलियांवाले बाग में, इतना सुंदर समो सावना आया ना किसे फाग में, वीर भगत सिंह फांसी टूटे मर गए इस बैराग में, या मृत्यु बरण फूस आग में झोंकती रहे, चाहे हमने सारी दुनिया रोकती रहे, हर ठोड़ पर और मोड़ पर हर रोड पर, या पागल पब्लिक भोगती रहे। नंबर दो, बूट और पेटी जराब जांगिया, ऊपर पट्टी सरकारी, उन्नी कंबल मच्छरदानी, रफल जान की प्यारी, चलो सुरमारण भूमि में नेपा की कर लो तैयारी, या भारत माता पीठ हमारी ठोकती रहे, चाहे हमने सारी दुनिया रोकती रहे, हर मोड़ पर हर रोड पर हर ठोड़ पर हर ठोड़ पर और मोड़ पर हर रोड पर, या पागल पब्लिक भोकती रहे। नंबर तीन, झंडे नीचे कसम उठाओ मनुष्य धर्म और दीन की, मेरे शहजादो खून बहा दो आज छोड़ दो जीन की, चीन अनूठी मृत्यु बूटी, चीन नहीं चीज, चीज अनूठी मृत्यु बूटी, असल दवाई पीन की, देख देख के फौज चीन की चौंकती रहे, और ठोड़ पे और मोड़ पे और रोड पे, या पागल पब्लिक भोंकती रहे। चौथी भाई, कह दाचन मरना अचारण भूमि के वीरा का, सबकी खातर वक्त एक ना,
सवाल गरीब अमीरा का, छोटे त लेकर बड़े तक राजा और वजीरा का, या चिंता बरन खून शरीर का शोक तीर है, और ठोड़ पर और मोड़ पर और रोड़ पर या पागल पब्लिक भोगती है। जल्दी ये पूरा कर दें भाई, 5 मिनट का और रह गया। ब्रिगेडियर होशियार सिंह की देखरेख में हिंदुस्तानी फौज के चीनियों के छक्के छुड़ा दिए भाई, बहुत महागौर युद्ध हुआ, हजारों की संख्या में घायल तड़प रहे थे। ब्रिगेडियर होशियार सिंह आगे बढ़ता रहा, चीनी फौज पीछे हटती रही। ब्रिगेडियर साहब के कुछ साथी गद्दार निकले, चलो सच्चाई लिख दी, जो ब्रिगेडियर साहब को अकेला छोड़कर भाग गई। चीनी फौजों ने चारों तरफ से घेरा दे दिया भाई। उधर अफीम कौर अपने कमरे पर सो रही थी, एक सपना आया। सपने में होशियार सिंह बॉर्डर पर जाने की तैयारी कर रहा है और अफीम कौर को रोकने की कोशिश कर रही है। कैसे क्या कहती है औरतों को, हेलियोडाट जरूरी जाने वाले ने, खद्दर के बाने वाले ने, नंबर एक या टेक थी, हेलियोडाट जरूरी जाने वाले ने, खद्दर के बाने वाले ने। कली है, कदे लेकर टिकट बैठ जाना पंजाब रोडवेज में, दिलदार ड्राइवर कह रहा है, गाड़ी छोड़ू तेज में, चला गया तो मैं मर जाएंगी उस छल्ले के हेज में, बिस्तर ने भी पाड़ बगा दूं, आग लगा दूं सेज में, खोया टेम रकाने आले ने, हेलियोडाट खद्दर के बाने आले ने। सपने की बात है भैया, मां संजय के दो ही सपने हैं सभी कथाओं में, एक वो है हाय सपना, जगा के उठ गया दिल लूट गया फिर टूट गया, है सपना डम डम डिगा डिगा, एक उस पर है और घना बढ़िया सपना। नंबर दो, निर्जन खाली हो जाएगी भारत की भूमि लाल बिना, दुनिया अचल बिचल हो जाएगी इसे वीर की चाल बिना, वीर जवान भारत के से ऊंच नीच के ख्याल बिना, लोग लुगाई हिंदू भाई गावेंगे सुरताल बिना, सदा हर गुण गाने आले ने, हेलियो डाट उस खद्दर के बाणे आले ने। नंबर तीन, जुल्म करा दो परी में, गोली ने छाती तोड़ दी, फिमो रही रोवती पिया, नंगा मारे त मोड़ दी, टप टप करके गढ़वाले ने, टप टप करके गढ़वाले गाड़ी वाला, गढ़वाले ने मृत्यु की गाड़ी जोड़ दी, चंदन की लकड़िया के में छुपा पिया की खोड़ दी, इतिहास रचाने वाले ने, हेलियो रोग खद्दर के बाने वाले ने। कदाचन सतयुग के में भाई एहसास अच्छाई और बुराई का हो जाता है, सच्ची आत्माएं जो होती है ना, एक मैसेज होता है भगवान की तरफ से, संदेश होता है, वो पहुंच जाता है। कदाचन सतयुग के मैं मीठा गंडा इक्का, त्रेता के मैं राम रामायण लिखणिया वाल्मीकि था, द्वापर युग में शंख बजाया पांडवों के नजदीक था, कलयुग के मैं सतयुग सतगुरु मुंशी बटन आया भीख था, सही बात कही मायने आले ने, एलियो रोक कदर के बाणे आले ने। अफीम कौर को सपने में दिखाई देता है और ब्रिगेडियर सरहिंद देश की लड़ाई लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो जाता है भाई। उसका यह सपना सच निकला और 27 नवंबर को चीन की फौज ने ब्रिगेडियर को गोलियों की बरसात कर दी।
ले भाई आखिरी रागनी है के पढ़ा ईशा लग है जड़ों तो बशट में नहीं काल गुजरे काल लेकर फल मैदान में उतरे या बात नहीं से जुठी चित्रापन का जोश हुआ एक लहर गजब की उठी या है टेक कली आर्मी के मां भर्ती हो गया मन में मान लिया था आजादी की रक्षा करूं पक्का ठान लिया था भारत माँ की सेवा करना हृदय ठान लिया था कुछ माता की शिक्षा कुछ गुरु से ज्ञान लिया था होकर भर्ती होशियार सिंह की होगी शुरू रंग रुटी छत्रापन का जोश हुआ एक लहर गजब की उठी अंधाधुन गोली बरसा काबू में ना आया देख वीरता होशियार सिंह की दुश्मन भी घबराया पाछे फिर के देखने लग गया कोई साथ न पाया भारत माँ के लाल ओहो या तो मैंने एक जगह और भी पढ़ी थी एकला लड़ता रहे और बाकी भगोड़े हो गए थे अंधाधुंध गोली बरसे काबू में ना आया देख वीरता होशियार सिंह की दुश्मन भी घबराया पीछे फिर के देखने लग गया ना कोई साथ में पाया भारत माँ के लाल पे फिर चीन ने जाल बगाया डिस्चार्ज से पहले उसकी होगी आखिरी छुट्टी। नंबर 3 मरती बरा का शेर ने कोई रक्षक भाई भाइयों भाई आइयो जो मेरा हमदर्दी साथी मेरी लाश न ठाइयो शेर रण में मरा करे कोई मत्ता सुबाइयो साकोड़ गांव का शेर चला मेरा नमस्कार ले जाइयो अंत समय की मेरी नमस्ते अमृताली बुट्टी छत्रापन का जोश हुआ एक लहर गजब की उठी साकोल गांव की नेहरू ने ठा मिट्टी मस्तक लाई थी होशियार सिंह ब्रिगेडियर की खूब करी लड़ाई थी सत धड़ी फहरा के साथ में राष्ट्र धुन बजाई थी सतगणी सतगणी फहरा के साथ में राष्ट्र धुन बजाई थी। हाँ सलामी दी थी 27 नवंबर 1962 की दयाचंद ने रची कविताई थी माँ का दूध सफल कर चाल्या पूरी ने भागा ड्यूटी छत्रापन का जोश हुआ एक लहर और शहर सिंह राठी साहब ले भाई गणतंत्र दिवस पर सभी भाइयों को राम राम इनको याद करते रहो चाहे चूल्हा दौरे बैठ कर ऊ नाम ले लो फलाने फलाने हो इतना ही बतेरा धन्यवाद।